जय हिंद दोस्तों। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो है पीजीटी टीचर में जो है भर्तियां लिया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग विषय पे टोटल 8 विषय है और उसमें टोटल जो है 52 वो जो है भर्तियां लिया जा रहा है पीजीटी टीचर में, ठीक है, लेक्चरर पद पे, ठीक है। अलग अलग उसमें सब्जेक्ट्स है जिसमें आपका हिंदी में 17 पद है, साहित्य में जो है 4 पद है, ग्रामर में 7 पद है, पॉलिटिकल साइंस में 1 पद है, इंग्लिश में 11 पद है, जनरल ग्रामर में 10 पद है, यजुर्वेद में 1 पद है और हिस्ट्री में जो है एक पद है, यानी टोटल 52 पोस्ट है, ठीक है। देखिए इसमें पोस्ट जो है इसमें जो है बहुत कम पोस्ट है ना, मात्र 52 ही को पोस्ट है, लेकिन ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम है, ठीक है। और जिन्होंने जो है अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है और साथ में बीएड भी कंप्लीट कर लिया है और जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये जो फॉर्म जो है अच्छा है, ठीक है, भर सकता है वो फॉर्म, है ना। वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, पोस्ट 52 हुआ तो क्या हुआ, मात्र जो है आपको सिर्फ एक ही पोस्ट का ज़रूरत है ना, ठीक है। और ये स्थायी पद पर जो है इसका वैकेंसी है ना, यानी इसका परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसका डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इसको भर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए फॉर्म जो भरा रहा वो आपका 31 जनवरी 2024 से जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लियर आएगा। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 29 फरवरी 2024 है, ठीक है। 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा फॉर्म भराना और लास्ट डेट फॉर्म भराने का है वो 29 फरवरी है, ठीक है। यानी लगभग जो है आपके पास 1 महीना लगभग जो है टाइम है फॉर्म भरने का, ठीक है। फी का अगर बात करें तो जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 600 रुपये। और एक चीज़ बता देते, ये जो फॉर्म है वो अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट फॉर्म वाले जो अगर फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल पद पे जो है जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को डालेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो जनरल और दूसरे स्टेट वालों के लिए जो है 600 रुपये का इसमें जो है एप्लीकेशन फी रखा गया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये और SC ST चार के लिए जो है 400 रुपये रखा गया है, ठीक है। SC ST वही आपका जो है राजस्थान का जो है वो मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। फी लास्ट डेट अगर बात करें, फी भरने का लास्ट डेट है वो 29 फरवरी 2024 तक जो है, ठीक है। यानी एप्लीकेशन फी जो है आपको 29 फरवरी 2024 तक जो है भर देना है ऑनलाइन, ठीक है। एज का अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है ना। और एज का जो कैलकुलेशन होगा, गणना होगा, वो होगा 1 जुलाई 2024 को। यानी 1 जुलाई 2024 को देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका कम से कम एज जो है वो 21 साल हो रहा है कि नहीं और अधिकतम 40 साल हो रहा है कि नहीं। 40 साल से अगर किसी का एज ज़्यादा हो जा रहा है तो फॉर्म नहीं भर सकता है और 21 साल से अगर किसी का एज कम हो रहा है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, क्लियर है। एज रिलैक्सेशन का अगर बात करें, है ना, आयु में किस किस को छूट दिया गया है, तो याद रखिए SC ST BC और EWS, ठीक है, जो राजस्थान के निवासी होंगे उन और वो मेल के लिए जो है 5 वर्ष रखा गया है, ठीक है। यानी जो राजस्थान के रहने वाले हैं और वो SC ST BC और EWS में अगर आ रहा और पुरुष है तो उसको 5 साल का जो है आपको मैक्सिमम आयु में जो है छूट दिया गया है, क्लियर है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ SC ST BC और EWS राजस्थान फीमेल का, है ना, उनके लिए जो है 10 साल का जो है इसमें आयु में जो है मैक्सिमम छूट दिया गया है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। जनरल का अगर बात करें तो महिला के लिए जो है 5 साल, है ना, और विधवा और तलाकशुदा महिला के लिए जो है अधिकतम आयु सीमा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इसका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, आयु में छूट है। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए, है ना, यानी जो इस फॉर्म को भर गया उसको जो है मास्टर डिग्री जो है पास होना होगा, है ना, और बीएड जो है किया हुआ होना चाहिए, लेकिन मास्टर डिग्री में कम से कम 48% उसको जो है मार्क्स होना होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा, आपको एक रिटर्न एग्जाम देना होगा, इसमें एक रिटर्न एग्जाम रखा गया है और वो रिटर्न एग्जाम जैसे ही कोई पास कर जाएगा उसके बाद जो है उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल, है ना, जाति आवासीय आय मूल निवासी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम का अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम का पैटर्न यह है कि इसमें फुल मार्क्स 450 मार्क्स का जो है इसमें एग्जाम लिया जाएगा रिटर्न एग्जाम, और सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और समय दिया जाएगा आपको 1.5 घंटा का, ठीक है। और वही अगर बात करें पेपर 2 का तो पेपर 2 में 300 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा, फुल मार्क्स 300 मार्क्स का होगा और उनके लिए जो है 3 घंटा समय दिया जाएगा।
इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 1/3 है, यानी 3 गलत करने पर 1 मार्क्स आपका जो है काट लिया जाएगा। तो ये कुछ इस पोस्ट का जो है डिटेल्स है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको भरना चाहते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड है, आपने अगर अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है और साथ में बीएड भी आपका कंप्लीट है, और अब अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा फॉर्म है, इसको आप देख सकते हैं, भर सकते हैं। याद रखिएगा 31 जनवरी से जो है इसका फॉर्म भराना ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट उसका है 29 फरवरी 2024। तो आप जो है अपने जो नियरेस्ट जो है आपका साइबर कैफे में चले जाइए, और आप जो है इस फॉर्म के बारे में बोलेगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन PGT टीचर का वैकेंसी हो रहा है, जिसमें लेक्चर पद पे जो है अलग अलग विषय में जो है आपका भर्तियां लिया जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कुछ याद रखिएगा इस फॉर्म का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।